नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरिया SP संतोष सिंह द्वारा चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम की संकल्पना में नशा मुक्त कोरिया का अभियान छेड़ा गया है। निजात जागरूकता के लिए रक्षित केंद्र बैकुंठपुर से 3 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने हरी झंडी दिखाकर किया। साइकिल रैली का नेतृत्व कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने किया। इस दौरान मौके पर SP संतोष सिंह, जिला पंचायत CEO कुणाल दुदावत सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा बैकुंठपुर शहर के आम नागरिक, स्कूली बच्चे, NCC के छात्र भी रैली में शामिल हुए। संतोष कुमार सिंह से आज के इस पुलिस परेड ग्राउंड में निजात के इस साइकिल रैली में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय अंबिका सिंह जी है। खुद भी हर नशे से दूर रहे, आसपास जो भी लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं, सभी की जानकारी पुलिस विभाग को दें और इसको रोकने में पुलिस विभाग की सहायता करें। हम लोग जिला प्रशासन और सारे जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न संगठनों के सहयोग से लगातार निजात अभियान चला रहे हैं, जिसमें एक तो पुलिस द्वारा लगातार एक्शन किया जा रहा है, दूसरा अवेयरनेस इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई भी है। इसी को देखते हुए आज एक साइकिल रैली रखी गई थी जिसमें जनप्रतिनिधिगण, स्कूली छात्र छात्राएं, पुलिस और जिला प्रशासन के लोग, गणमान्य नागरिक भाग लिए और बेसिकली यह एक लोगों का ध्यान खींचने का एक ये रैली रखी गई थी ध्यान खींचने के लिए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि नशे का जो ये नशे के विरुद्ध जो अभियान है ये लगातार चल रहा है और सभी लोग इसमें अपना सहयोग दें। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा कई बार हम लोग जिले में बाइक रैली, ऑटो रैली, पैदल मार्च, इस तरह के भी आयोजन करते रहे हैं। अभी बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा भी निजात के अभियान में शामिल होने की अपील की गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि सबके सहयोग से ये बात जो नशा के विरुद्ध सबको एकजुट होना है ये गांव-गांव तक जाए और इसकी चर्चा हो जाए। इसके माध्यम से जिले में निजात कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है और नशा ही इंसान के व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा बाधक है। जिले में जो मादक द्रव्य हैं, मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए व्यापक पैमाने पर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है। आप जानते हैं कि नशापान से व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक विकास में रुकावट होती है, विकार पैदा होता है और एक समाज के लिए भी बड़ा दुखदायी है जी। आप देख रहे हैं कि आए दिन नशापान से दुर्घटना की खबर देख रहे हैं, परिवार में आपसी कलह की घटनाएं आती है, कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं जी। तो ये पहले से चल रहा है समाज कल्याण विभाग से, स्वास्थ्य विभाग, लेकिन SP साहब ने इसको एक मिशन मोड के रूप में लिया है, एक आंदोलन के रूप में लिया है। इसी की आगे चलकर इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मैं सभी जिले वासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग निजात कार्यक्रम में सहभागी बन करके कार्यक्रम को और बेहतर बनाए, सफल बनाए और कोरिया को नशा मुक्त बनाए। कोरिया से KSN 24 के लिए बाला राव की रिपोर्ट।